हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, आज आप लोगों को वीडियो में इस एक हम तीन गुलाइए दो टक वाला फर्मा कटिंग करेंगे और उसको पूरा बताएंगे। और ये सीट है 8x5 का है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, जो हम फर्मा बनाने वाले हैं वो फर्मा जो है इसमें, मतलब समझ लो कि आप यहाँ से इतना ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, पहले इसको मैं जितना फर्मा हमको बनाना है उतना हम इसमें से भाग निकाल लेंगे, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद से आप लोग को हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने फर्मा को कटिंग कर लिए हैं और फर्मा कितने में कटिंग किए हैं आप लोग को हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम इंची टेप लेते हैं, इसको नापते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 इंच में पूरा किया है हमने, देख लीजिए, ये पूरा 3 इंच में किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो फर्मा है, मतलब 3 इंच में काफ़ी अच्छा से बन जाएगा ये, कोई ज़्यादा बड़ा सीट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो सीट है, हम आप लोगों को पता है कि हम जो सीट में फर्मा कटिंग करते हैं पूरा ओरिजिनल सीट में कटिंग करते हैं दोस्तों, ये कितना भी पानी में आप रख सकते हो इसको, ये आपको मतलब गलेगा नहीं। ये कितना सीट जो होता है मतलब पानी के साथ फूल जाता है, ये मतलब ये इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो फर्मा है आपको कभी नहीं गलेगा, ये जैसा कहे तैसा रह जाएगा ये। अब चलिए इसको हम मार्क लगाते हैं, मार्क लगाने के बाद से आप लोग को हम दिखा देंगे कि हम कितने कितने इंच पर मार्क लगाए हैं। और पहले सीट का भी साइज़ आप लोग को दिखा देते हैं जिधर से हमको मार्क लगाना है। तो पहले इसको आप लोग देख लो कि कितने पर हम इंच का सीट लिए हैं। आप लोग देख तो दिखाई दिया 3 इंच का है, जैसे बताया था आपको 5 इंच है ना, लेकिन 5 इंच थोड़ी सी कम है दोस्तों। आप देख सकते हैं 5 इंच यहाँ पे है, ये आधा इंच से आधा कम है, ठीक है। तो मतलब आप चाहे तो 5 इंच का भी सीट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम मार्क लगाते हैं, मार्क लगाने के बाद से आप लोग को हम ये बताते हैं कि आप लोग इसको मार्क कैसे लगाना है और कितने पर मार्क लगाना है। पहले हम आप लोगों को 3 गोलाई और 2 टक वाला मार्क लगा लेते हैं। हमने जो इसका मार्क लगा लिए हैं और आप लोगों का मार्क का पूरा डिटेल हम बता देते हैं ताकि आप लोग अगर बनाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो के, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क आप लोग को ये बताते हैं कि ये जो मार्क है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक लंबा हम लगाए हैं मार्क, ये हम मार्क लगाए हैं इसके जो मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा है इससे हम लगाए हैं 7 mm, ठीक है। ये मतलब यहाँ से ऊपर से यहाँ तक लगाए हैं 7 mm, ठीक है। और 7 mm इधर से भी हम नापे हैं और नाप के इधर से एक लंबा निशान लगाए हैं स्केल के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ दोनों नापे हैं पूरा, इससे इससे, तो ये पूरा 12 था, ये मतलब 5 इंच से थोड़ी सी कम था, देख लो इधर से, ये देखो दोस्तों, ये समझ लो यहाँ पे 12 था, यानी आपको 120 mm ये हो जाएगा। 120 mm था तो हमने 60 mm पर इसको मतलब सेंटर से एक निशान लगाया, ये देख लो निशान, ये वाला है छोटा वाला, और एक स्केल के अंदर यहाँ पे, फिर हमने सेंटर से एक निशान लगा लिया ताकि इसका बीच पता चल जाए, हमको सेंटर पता चल जाए। आप लोग चाहे तो एक धागा लेके उसको आधा कर देना, फिर निशान आपको लगा सकते हैं अगर स्केल नहीं है तो आपके पास। उसके बाद से दोस्तों क्या किए हैं, उसके बाद से एक ये जो कॉइन है 1 रुपये वाला छोटा वाला कॉइन है, इसको हमें एक गुलाई इसको बीचों बीच करके लगाए हैं, जैसे कि आप लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। जितना पर ये निशान लगाए हैं उतने पर ही मतलब आगे करके यहाँ पे एक लगा दिए हैं, एक इधर लगा दिए हैं। ये तो 3 गोलाई हो गया दोस्तों, आप चाहे तो इसमें 4 गोलाई बना सकते हो, लेकिन 4 गोलाई के लिए थोड़ी सी फर्मा आपको बड़ा ज़रूरत पड़ जाएगा। लेकिन ये जो फर्मा है 5 इंची में थोड़ी सी कम है, ये आप लोगों को 3 गोलाई के लिए बेटर रहेगा। अगर 4 गोलाई बनाते हो तो दोस्तों, अगर इधर से आधा आप लेते हो तो यहाँ आपका आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से यहाँ जाएगा थोड़ा बहुत कम बच जाएगा। चलिए ये तो हो गया मतलब आपका 3 गोलाई। अब दोस्तों रहा बात इसका जो टक का है निशान, इस टक का निशान का आप लोग को हम बात बताएं, ये टक है इधर से, तो आप लोग को बताया मैं इधर से यहाँ तक 7 mm बताया, इधर से भी 7 mm बताया, लेकिन इसका यहाँ से यहाँ तक हम चौड़ाई बताए, तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई मतलब, तो ये चौड़ाई है 8 mm दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 mm, दोनों साइड से 8 mm। आप लोगों को एक बार हम दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को जो है पता चल जाए। सबसे पहले इसका जो थिकनेस की हम बात करते हैं,
जो इसका थिकनेस कितना है यहाँ से आप लोग देख सकते हो दोस्तों। थोड़ा अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना दोस्तों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्या ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है शुरू होता है 1 mm से लेकर यहाँ 1 तक 10 mm हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा वाला आपका आ गया 5 mm या 6 mm आ गया दोस्तों, ये होगा 7 mm, ठीक है। देख सकते हो 7 mm पर हमने निशान लगाया है, ठीक है। अब आते हैं आप लोगों को इसका जो मोटापा है उसके ऊपर आते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये लंबा जो निशान है यहाँ पे, ये 6-5 mm था, ये 6 हो गया, ये 6 था, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 mm पर लगाएं, ये कटिंग करेंगे तो पूरा 8 mm तक आपका बन जाएगा टूटे टोटल, ठीक है। एक बार हम आप लोग को mm भी बता देते हैं, थोड़ा नज़दीक से आप लोग को दिखाते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। ये देख सकते हैं, ये यहाँ से लंबाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यहाँ तक 11 आ जा रहा है, ये 200 है ना, ये आपका हो गया पूरा 10 mm, ठीक है। तो इसी से हम नापे हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये पूरा 7 mm तक हम ये तक को जो दिए हैं, चलिए आप 7 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम दोस्तों 6 से ऊपर ही रखना, ताकि थोड़ा टक जो है आपको दिखने में अच्छा लगता है। अब इसको करना क्या है, वीडियो लंबा हो जाता, भाई लोग बोलते हैं शॉर्ट वीडियो बनाओ। अब इसको दोस्तों करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद से इधर से तिरछा करके यहाँ से कटिंग करके फिर यहाँ सीधा करके हम यहाँ निकाल लेंगे और इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब उसको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ से लंबा करेंगे और यहाँ से एक बार आपको मार्क दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो सबसे अच्छा पहले आपको तो क्या बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से कटिंग करके यहाँ तक ला देना और इधर से कटिंग करके यहाँ तक ला देना। फिर आप जो आपका एक एक्स्ट्रा ब्लड है, आप देख सकते हैं, इस एक्स्ट्रा ब्लड को आप चाहे तो यहाँ से ला के यहाँ से इसके बराबर से यहाँ तक कटिंग कर सकते हैं और फिर इधर से कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या करना दोस्तों, यहाँ से कटिंग करते करते लंबा पूरा ले देना यहाँ तक, फिर इसके बाद से ऊपर से कटिंग करके निकाल देना आप, ठीक है। यहाँ से ऊपर का कटिंग आप निकाल दोगे, फिर आपका बच जाएगा ये 2 गोलाई कटिंग करने के, तो फिर इधर सही से काट देना, फिर इधर सही से काट देना, आपका जो है फार्मा जो कटिंग हो जाएगा बिल्कुल तैयार। उसके बाद से आप क्या करना है, रेकमाल के साथ इसको कर देना, फिर आपका फार्मा जो तैयार। चलिए हम फार्मा तैयार कर देते हैं थोड़ा। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम इस फार्मे को मतलब 2 मिनट के अंदर हमने कटिंग कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने कटिंग किए हैं, आप लोग पूरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। हाँ आप देख लीजिए ये निशान, बाकी जो है ना इसको दोस्तों हम जब रेकमाल लगाएंगे ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हम उसी तरह से कटिंग किया दोस्तों, पहले इधर किया, फिर इधर किया, फिर यहाँ से इसको कटिंग करके फिर ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से लंबा कटिंग करके फिर इधर से भी ऊपर कर दिया, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे कट करके लगा दिया हमने, फिर लगा कर थोड़ा सा तोड़ा भी हमने है, यहाँ से देख सकते हैं तोड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें तोड़े नहीं हैं, बाकी इसमें तोड़े हैं, इसमें तोड़े हैं। अब इसको हम रेकमाल के साथ इसको पूरा गोल कर देंगे, इसको तीनों को, फिर इसको टक बना देंगे। चलिए इसको हम पूरा तैयार करके एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने इसको 1 मिनट के अंदर पूरा इसको रेकमाल लगा के फिट कर दिया और ये जो निशान है थोड़ी सी मतलब मिट गई है। आई यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर थोड़ा सा निशान बच गया है, तो देख लीजिए उसके मतलब साथ ही हम जो ये मार्क लगाए थे वहाँ पर हम कटिंग करके पूरा फाइनल कर दिया हमने। और दोस्तों जो यहाँ का है जो पूरा मतलब रेकमाल लगाते में मतलब मिट गया जो निशान था गोलाई, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निशान थोड़ी सी बचा है, उसके सीध मतलब साथ में ही हमने कटिंग किए हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों का फार्मा जो है बनकर तैयार हो गया है, आपको करना क्या है, इसके साथ में बीच में एक किल लगाना है और लकड़ी के साथ ऐसे अटैच कर देना है, जैसे कि ये लकड़ी हो गया, ये समझ लो लकड़ी हो गया, और आपका इस तरह का फार्मा जो फिट कर देना है और इस फार्मे में यहाँ पर एक किल लगा देना है यहाँ पर लकड़ी के साथ अंदर अंदर से, और ये आपका जो फार्मा हो जाएगा बिल्कुल रेडी, आपको कोई भी डिज़ाइन इससे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं हम किससे रेकमाल लगाया। तो रेकमाल लगाने के लिए आप लोगों को एक ज़रूरत पड़ेगा रेकमार का, जो आप देख सकते हैं ये 80 नंबर रेकमार है, ये इस पर आप लोग देखते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है,
लेकिन आप लोग 80 नंबर लेंगे आप लोगों को यही एक माल आपको मिलेगा, बाकी बेशक कंपनी आप लोग को अलग मिल जाए लेकिन 80 नंबर एक माल आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इसका टक लगाने के लिए, ये बनाने के लिए आप लोगों को एक छोटी वाली रेती का ज़रूरत पड़ेगा, जो आरी में जो धार लगाते हैं इसी रेती के साथ लगाते हैं, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। बस करना कुछ नहीं है, और एक एक्स्ट्रा ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगा जो इसको कटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका फार्मा हो जाएगा तैयार, अब इसके साथ आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तीन गुना वाला डिज़ाइन। चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इस चैनल पर पहली बार आए तो सुमित भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।